नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं उत्कर्ष उपाध्याय और आज आप सभी के साथ पुनः कुछ क्वेश्चन की सीरीज को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाले हैं, जैसे कि MSc, AG, UP कैटेट, PHU, IFCO, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, AFO व अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षा, उन सभी में काम आएंगे। तो आप सभी लाइव आ जाइए, सभी लोग सेशन को शेयर करते रहिए, सभी लोग इस सेशन को शेयर करते रहिए। ट्रेवल लवर नमस्ते सर जी, हाँ नमस्ते। तानु कुशवाहा जी, राम राम। शिवम कुमार नमस्ते सर, ये MP M4 हैं, गुड मॉर्निंग। मनु मिश्रा जी गुड मॉर्निंग। प्रियांशी कुमारी गुड आफ्टरनून। ज्ञानेंद्र वर्मा जी नमस्ते। आदित्य पांडे नमस्ते भैया। शिवम कुमार नमस्ते। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी को हर हर महादेव। तो आप सभी चैनल को शेयर कर दीजिए, एक बार अपने सभी ग्रुप्स में, अपने सभी कॉन्टेक्ट्स में शेयर कर दीजिए इसको, जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो क्लास को शुरू करते हैं हम। आप सभी शेयर करते रहें, शेयर कर दें, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड। तेरा सबसे पहला क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब एक साथ प्लांट और एनिमल एक फार्म पे, एक साथ जब भी प्लांट्स को भी लगा रहे हैं, एनिमल्स की भी वहां रेयरिंग चल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो हम कल की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सब कुछ एग्रीकल्चर के ही अंडर में आता है, जैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया या मिक्स फार्मिंग हो गया, उसके अंडर में आता है इस तरह का, मिक्स फार्मिंग के अंडर में, कि हम क्या करते हैं कि हमारे साथ हमारे प्लांट्स भी लगे होते हैं, प्लांट भी लगे होते हैं, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, प्लांट के साथ साथ हम कुछ एनिमल्स का रियरिंग करते हैं, जैसे हनी बी का प्रोडक्शन करते हैं, सेरीकल्चर या और भी जितने ऐसे काम है वो सभी आता है, तो इसलिए ये एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है पता ही है, इसमें प्लांट जो हॉर्टिकल्चरल जो फ्रूट प्लांट्स हो गए या वेजिटेबल प्लांट्स हो गए, वेजिटेबल के लिए स्पेशली ओलेरीकल्चर होता है, बट ये सब हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं, फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स के लिए होता है। फिर एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी में क्या होता है, प्लांट्स का जो जितना भी जिताई बुआई जो भी होता है, ये सब कुछ एग्रोनॉमी के ही अंडर में आता है। ठीक है, जितने भी प्लांट का स्पेशलाइजेशन होता है वो सब कुछ एग्रोनॉमी में ही आता है, प्लांट्स का कैसे बोएं, कैसे जो, तो जितना भी टेक्नोलॉजिकल अप्रोच होता है वो सब एग्रोनॉमी के अंदर आता है। और सिल्वीकल्चर क्या होता है, सिल्वीकल्चर में फॉरेस्ट प्लांट्स के लिए होता है, जैसे वुड के पर्पज से या अन्य पर्पज से जो होता है वो सिल्वीकल्चर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग चैनल को एक बार शेयर कर दें जिससे और लोग आ जाए, लाइव जुड़ जाए। तो शिवम कुमार जी बिल्कुल नमस्ते, दीपक कुमार नमस्ते, अभिनव यादव राधे राधे, अभिषेक यादव राधे राधे, शिवम कुमार, प्रिंस कुमार हेलो, सभी को हेलो हाय, सभी लोग शेयर करते रहे इसे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपने साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम। तो देखिए कह रहा है कि एग्रीकल्चर जो है कैसा शब्द है, एग्रीकल्चर कहां से डिराइव हुआ है, ठीक है, एग्रीकल्चर शब्द कैसा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अपने पास चार ऑप्शन है, तो सबसे पहला लैटिन है, दूसरा ग्रीक है, फिर फ्रेंच है, फिर इंग्लिश है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो होता है वो लैटिन वर्ड है। और एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा, जितने भी वर्ड में कल्चर आते हैं, कल्चर ये सभी क्या होते हैं, मोस्टली ये सब क्या होते हैं, लैटिन होते हैं। ठीक है, और जितने में भी लॉजी आ गया वो क्या होते हैं, ग्रीक होते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, जिसमें भी लॉजी आ गया वो ग्रीक होता है, जिसमें भी कल्चर आ गया वो लैटिन होता है। इसका एक एक्सेप्शन है पोमोलॉजी जो होता है दोनों में आता है, क्योंकि ये पोमस और ये लॉगस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या क्या है, एक पोमस है और एक लॉगस है। ठीक है, तो लॉजी ग्रीक है इसका, और ये जो पोमस है ये क्या है, लैटिन है, इसलिए लैटिन और ग्रीक दोनों में आता है। तो पोमोलॉजी को नोट कर लीजिएगा, ये एक्सेप्शन है पोमोलॉजी, इसका नोट करिए आप सभी लोग, पोमोलॉजी इसका एक्सेप्शन है।
जी अनोट करिए। आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को, एक बार कमेंट कर दें, सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है? श्वेता साहू जी हाँ, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते, आवाज आ रही है, एक बार आप लोग बता दें, कमेंट कर दें। ओके तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लैटिन वर्ड ग्रीक वर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आप लोगों को। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन अपने पास। तो तीसरा क्वेश्चन है एग्रीकल्चर डिनोट्स, ठीक है, एग्रीकल्चर डिनोट्स, एग्रीकल्चर इसमें से किससे मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चरा से, या फिर एग्री प्लस कल्चर से, या फिर एग्री प्लस कल्चरा से, या फिर एजर प्लस कल्चरा से, कोई बताए, कमेंट करें ये लोग, आप लोग कमेंट करें कि एग्रीकल्चर किससे बना है। तो एग्रीकल्चर जो है एजर और कल्चरा से मिलके बना है, एग्रीकल्चर जो है एजर और कल्चरा से मिलके बना है। मैंने पहले ही बताया एग्रीकल्चर कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, तो ये लैटिन के एजर और कल्चरा वर्ड है, ठीक है, ये एजर और ये कल्चरा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है लैटिन वर्ड है, किससे मिलके बना है, एजर और कल्चरा से मिलके बना है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, जी हाँ, ऐसे ही कमेंट करते रहे। ये सी ऑप्शन नहीं, सी नहीं होगा, एजर और कल्चरा ऑप्शन बी होगा। शिवम कुमार जी, आकाश मथुरिया जी, सी नहीं बी होगा जी, कलम एग्रीकल्चर स्टडी बी, बिल्कुल सही है दीपक कुमार जी, बिल्कुल सही। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आगे क्या है। तो एग्रीकल्चर देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, क्या है कि एग्रीकल्चर क्या है, लैटिन वर्ड है, किससे बना है, एजर, एजर का मतलब होता है सॉयल, और कल्चरा, कल्चरा का मतलब क्या होता है, टू, कल्चर का मतलब क्या होता है भाई, कल्चरा का मतलब टू ग्रो, ठीक है। सॉयल में, सॉयल के अंदर जो भी चीजें उगाई जाती है, ग्रो हो जाती है, वो क्या होता है, एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है। तो एजर प्लस कल्चरा, ये क्या हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अथर्व पांडे भी, अभिनव यादव जी बिल्कुल, नमस्ते सभी को, नमस्ते। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबेज ओरिजिनेटेड इन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास चौथा क्वेश्चन है कैबेज ओरिजिनेटेड इन, कैबेज की उत्पत्ति कहां हुई थी, कोई बताए कैबेज की उत्पत्ति कहां हुई थी। तो जी हाँ बिल्कुल, अथर्व पांडे कल्टीवेशन, सही बताया आपने, कल्चरा कल्टीवेशन बताइए, चाहे ग्रो बताइए, चीजें वही है, कल्टीवेशन ही है, बिल्कुल सही कहा आपने, कल्टीवेशन है, ग्रो है। तो इसका बताइए कैबेज ओरिजिनेटेड इन, कैबेज की उत्पत्ति कहां से हुई थी, कैबेज की उत्पत्ति इसमें कहां से हुई थी। चार ऑप्शन है अपने पास, मेक्सिको एंड सेंट्रल एशिया, मेडिटेरेनियन, पेरुवियन और साउथ वेस्ट इंडीज, वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है, मेक्सिको और मध्य अमेरिका, भूमध्य सागरीय, पेरुवियन एंडीज और दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक है। पत्ता गोभी की उत्पत्ति कहां हुई थी, ठीक है, अपने पास है पत्ता गोभी की उत्पत्ति कहां हुई थी, ठीक है, तो इसको बताइए आप लोग, कमेंट करिए। बी बिल्कुल, अभिनव यादव जी सही बता रहे, अथर्व पांडे नहीं, अभिनव यादव जी का बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन मेडिटेरेनियन रीजन है पत्ता गोभी का, और पत्ता गोभी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ब्रैसिका, ब्रैसिका, ब्रैसिका ओलेरेसिया, ओलेरेसिया कैपिटाटा, ब्रैसिका और ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, लिख लीजिएगा आप लोग, नोट करते चलिएगा, ब्रैसिका ओलेरेसिया कैपी, ये सभी अंडरलाइन करिएगा क्योंकि ये इटैलिक्स में होता है, ठीक है, और जो भी चीज इटैलिक्स में है अगर उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसको जाहिर सी बात है कि अंडरलाइन करना होगा, ठीक है, इसलिए इसको अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन करते चलिए। तो कैबेज की उत्पत्ति कहां हुई थी, मेडिटेरेनियन रीजन में हुई थी, इसको नोट करिए, कैबेज की उत्पत्ति कहां हुई थी, मेडिटेरेनियन रीजन में हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे आपको बताएंगे सभी का किसकी उत्पत्ति कहां हुई थी, ठीक है। देखिए सेंटर ऑफ ओरिजिन, अब सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात कर ही लेते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन आने वाले, दो चार क्वेश्चन इसमें होंगे और हर एग्जाम में लगभग एक आध क्वेश्चन सेंटर ऑफ ओरिजिन से आ जाता है, यूपी कैडेट में विशेष रूप से सेंटर ऑफ ओरिजिन से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो आप लोग सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे हम लोग,
सेंटर ऑफ ओरिजिन में देखिए क्या है, सबसे पहला मेडिटेरेनियन रीजन में, मैंने एक साथ इसको कंपाइल करके मैं लाया हूं मोस्टली चीजों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब मेडिटेरेनियन रीजन में जिनकी उत्पत्ति हुई है उसको एक साथ ला दिए हैं, फिर अन्य रीजन का भी जो मोस्ट क्रॉप इंपॉर्टेंट क्रॉप है, चाहे फ्रूट क्रॉप हो, चाहे सीरियल्स हो, पल्सेज हो या वेजिटेबल्स हो, सबको एक साथ लाने की कोशिश किए हैं। तो नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो सबसे पहला क्या हो गया, कैबेज। मेडिटेरेनियन रीजन में सबसे पहला कैबेज हो गया, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, ब्रेसिका ओलरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, कैपिटाटा। ये क्या होगा, ये अंडरलाइन होगा, ठीक है, ये सभी अंडरलाइन होंगे, या तो इटैलिक्स लिखिए या फिर अंडरलाइन इसको करिए, ठीक है, या तो इटैलिक्स लिखिए या इसको अंडरलाइन करिए, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन रीजन में क्या होगा, मेडिटेरेनियन रीजन में देखिए, नोट कर लीजिए, कैबेज है, बीट रूट है, नॉल खोल है और लिंसिड है, ये जो चारों हैं ये क्या है, ये चारों मेडिटेरेनियन रीजन में चारों की उत्पत्ति हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए आप लोग। देखिए बीट रूट का जो साइंटिफिक नेम है बीटा वुलगेरिस होता है, चिनोपोडिएसी फैमिली से होता है, चिनोपोडिएसी से होता है। ये कभी कभी पूछ लेता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी फैमिली, मैंने बता दिया। फिर ये नॉल खोल है, ये ब्रेसिका कोलोरापा होता है, ठीक है, और ये लिंसिड, लिंसिड मतलब ये अलसी, 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 ठीक है, ये क्या होता है, अलसी। अलसी का साइंटिफिक नेम लाइनम अस्टिटिसियम, ठीक है, लाइनम अस्टिटिसियम, ठीक है। ये देखिए ये हो गया आपका, ये सभी आपका हो गया इटैलिक्स में, सभी ऑलरेडी हो गया, अब यहां पर अंडरलाइन करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जब भी ये इटैलिक्स में रहेगा तो हमें अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, जितने भी साइंटिफिक नेम है वो सभी इटैलिक्स में रहेंगे, ठीक है। तो ये चारों मेडिटेरेनियन रीजन में आते हैं, कैबेज आ गया, बीट रूट आ गया, नॉल खोल आ गया, लिंसिड आ गया, ठीक है। सभी के साइंटिफिक नेम आपके सामने, आप लोग इसको नोट कर लें, कैबेज का ब्रेसिका ओलरेसिया वैरायटी का पिटाटा हो गया, बीट रूट का बीटा वुलगेरिस हो गया, नॉल खोल का ब्रेसिकी कैप्सुलरिस हो गया, ये ब्रेसिकी है, ये ध्यान रखिएगा, ये ब्रेसिकी है, ब्रेसिकी, ठीक है, ये ब्रेसिकी है, ये भी ब्रेसिकी ही है, ठीक है, और ये क्या है, लाइनम, लाइनम अस्टिटेसियम, ठीक है, अस्टिटिसिमम। तो क्या है ये, अलसी, या इसको तीसी भी बोलते हैं, अलसी या तीसी भी बोलते हैं, तीसी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सबसे खास बात ये है अलसी की, कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, स्पेशली जो फिश खाते हैं, जो नॉनवेज वाले होते हैं, तो फिश में भी ओमेगा 3 पाया जाता है, और लिंसिड जो है, लिंसिड में भी ओमेगा 3 पाया जाता है। तो ये जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बड़ी काम की चीज है, ये वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही काम की चीज है लिंसिड, ठीक है। चांद बाबू गुड आफ्टरनून, अथर्व पांडे जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, आप लोग सही कमेंट कर रहे हैं, अभिनव यादव जी बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ते हैं इस पे, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे, सेंटर ऑफ ओरिजिन की। ये मेडिटेरेनियन रीजन के चारों क्रॉप्स थे, अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब अपने पास है इंडिया में किसकी किसकी ओरिजिन हुई है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन में देखते हैं, इंडियन ओरिजिन में देखते हैं, ठीक है, इंडियन ओरिजिन में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला उर्द हो गया, उर्द हो गया, सबसे पहली क्रॉप अपने पास क्या हो गई, सबसे पहली क्रॉप अपने पास उर्द हो गई। तो उर्द का साइंटिफिक नेम क्या है, विग्ना मूंगो, ठीक है, ये यहां पर मूंग है, ये मूंग है, ठीक है। तो उर्द की साइंटिफिक नेम क्या हो गई, विग्ना मूंगो, उर्द का साइंटिफिक नेम विग्ना मूंगो होता है। ये सभी जितने क्रॉप्स हैं ये सब क्या है, ये सभी आपके इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन के हैं, ठीक है। तो उर्द हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ब्रिंजल, बैगन, सोलेनम मेलन, इसका फुल फॉर्म है सोलेनम, ये नोट करते रहिए आपके लिए बड़ी काम की चीज है, सोलेनम मेलन जेना। मिलने के लिए तो बहुत जगह ये मिल सकता है, लेकिन एक साथ आपको नहीं मिल सकता है कहीं भी, कि मतलब पर्टिकुलरली इस रीजन का यही यही क्रॉप है, जैसे इंडिया के सेंटर ऑफ ओरिजिन एक साथ लाया हूं इसको कंपाइल करके। फिर इसके बाद मूंग, मूंग का क्या हो गया, मूंग का क्या हो गया, ये मूंग का क्या हो गया, विग्ना रेडियाटा हो गया, विग्ना रेडियाटा हो गया, ठीक है। उर्द का विग्ना मूंगो है और मूंग का विग्ना रेडियाटा है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसी तरह से अगर काउपी आएगा, आगे काउपी आएगा, ये ध्यान रखिएगा तीनों मिलते जुलते हैं, उसका ये नहीं है। काउपी का जो होता है साइंटिफिक नेम वो विग्ना अंगिकुलाटा होता है, विग्ना अंगिकुलाटा, क्या होता है, विग्ना अंगिकुलाटा, काउपी का विग्ना अंगिकुलाटा होता है, उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन आगे बताएंगे क्या है। तो मूंग का क्या हो गया, विग्ना रेडियाटा, जैकफ्रूट, जैकफ्रूट मतलब कटहल, कटहल का क्या होता है, ऑटोकार्पस हेटरोफिलस, ऑटोकार्पस हेटरोफिलस, ठीक है, ये स्मॉल रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, हेटरोफिलस, हेटरोफिलस, ठीक है।
ऑर्टोकार्पस हेट्रोफिलस, ठीक है। ये हेट्रोफिलस की स्पेलिंग ये है, हेट्रोफिलस, हेट्रोफिलस, ठीक है। तो कभी भी पहला वर्ड कैपिटल रहता है जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, दूसरा स्मॉल रहता है, ठीक है। और अंडरलाइन, चूंकि जब हम हैंड रिटन करते हैं तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं, और ऐसे अगर इटैलिक्स है तो उसमें इसकी कोई जरूरत नहीं। एच क्या होता है, हमेशा एच स्मॉल होता है इसमें, एच क्या होता है, एच स्मॉल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्टोकार्पस हेट्रोफिलस, ठीक है, ऑर्टोकार्पस हेट्रोफिलस। अब क्या है, रोज, रोज का क्या हो गया, रोजा इंडिका, ये तो जाहिर सी बात है इंडिया का, ये नाम में ही है। फिर कुकुम्बर, कुकुम्बर का क्या है, कुकुमिस सटाइवस। देखिए मोस्टली कुकुम्बर ज्यादा है, जितने भी आपके कुकुरबिटेसी है, मोस्टली लिख लीजिए यहाँ पे, सब तो नहीं है, मोस्टली, जैसे कुकुम्बर ये सबसे पहले आपको एक्सेप्शन दिख रहा है, मोस्टली कुकुरबिट्स का इंडिया में ही ओरिजिन है, ठीक है। कुकुरबिट्स, जितने भी कुकुरबिट्स हैं, जितने भी गॉड फैमिली है, ठीक है, मोस्टली जो भी ये कुकुरबिट्स हैं, इनकी ओरिजिन कहाँ है, इंडिया में है। मोस्टली कुकुरबिट्स की ओरिजिन इंडिया में है, ठीक है। जितने भी मोस्टली कुकुरबिट्स हैं उनकी ओरिजिन इंडिया में। कुकुम्बर का ये क्या हो गया, देखिए कुकुम्बर, कुकुमिस सटाइवस, इसकी ओरिजिन कहाँ हो गई, इंडिया में। फिर देखिए पॉइंटेड गार्ड, पॉइंटेड गार्ड ट्राइकोजेंटस डिओइका होता है, ठीक है। पॉइंटेड गार्ड जो होता है इसको परवल बोलते हैं, परवल, हिंदी भी समझते रहिएगा, परवल बोलते हैं। तो परवल का क्या हो गया, पॉइंटेड गार्ड का ट्राइकोजेंटस डिओइका, इसकी भी सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडिया है। स्नेक गॉड, स्नेक गॉड, स्नेक गॉड का क्या है, स्नेक गार्ड का जो लोकल नेम है चिचिडा बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, इसका जो लोकल नेम है वो क्या है, चिचिडा है। स्नेक गार्ड का लोकल नेम चिचिडा है इसका, ठीक है। ट्राइकोजेंथस एंगुइना है, ठीक है। और बेल, बेल तो सभी जानते हैं, बेल का बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, बेलपत्र की पत्ती चढ़ती है वहां पे, बेलपत्र। तो ये जो बेल है इसका एगल मार्मेलास है, ठीक है। तो ये इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन थे, फिर से नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, उर्द हो गया, ब्रिंजल, मूंग, जैकफ्रूट, रोज, कुकुम्बर, पॉइंटेड गॉड, स्नेक गॉड और बेल, ये सभी क्या है, इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन है। ये चारों क्या हो गया, इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसके पहले मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन का बताए थे, अभी क्या हो गया, इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो अब देखिए सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में आते हैं, सेंट्रल एशिया में कौन कौन से, तो सेंट्रल एशिया में ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, पी मटर, प्याज, ये क्या हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, लहसुन हो गया और मटर हो गया, ठीक है। तो प्याज क्या हो गया, एलियम सेप्पा, एलियम, एलियम सेप्पा। लहसुन क्या हो गया, एलियम सटाइवम, एलियम सटाइवम। और ये क्या हो गया, पाइसम सटाइवम, पाइसम, पाइसम सटाइवम, मटर, ठीक है। मटर क्या हो गया, पाइसम सटाइवम हो गया। समझ में आ रहा है, चैनल को एक बार शेयर कर दे सभी के साथ, एक बार इसको शेयर कर दे सभी लोग, सभी लोग अपने अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या और जगह अन्य मित्रों से, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दे इसे। तो ये सेंट्रल एशिया में आते हैं, ठीक है। ओनियन, गार्लिक और पी, ओनियन, गार्लिक और पी किस में आते हैं, सेंट्रल एशिया में। इसके पहले जो बताया था वो सब इंडिया में आते थे, ठीक है। अब ये सेंट्रल एशिया में आ गया, इसको नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करते रहिए जी। रविशंकर यादव जी, गुड आफ्टरनून। अभिनव यादव ने बताया था ऑल्सो यूज एज फ्लेक्स फाइबर, जी हाँ, लिंसिड जो है फ्लेक्स फाइबर के लिए भी यूज होता है, मेडिटेरेनियन रीजन का जो था लिंसिड, वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सेंट्रल एशिया के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी अफ्रीका की है, ठीक है। तो अफ्रीका सेंटर ऑफ ओरिजिन में देखिए क्या है, अफ्रीका में किसकी किसकी उत्पत्ति हुई, तो पहला सोरगम, फिर बाजरा, अरहर, काउपी, ओकरा। तो ये क्या हो गया, ज्वार हो गया, सोरगम को ज्वार बोलते हैं, बाजरा ये जो ये पर्ल मिलेट है, अंग्रेजी नाम क्या है, पर्ल मिलेट, और साइंटिफिक नेम आपके सामने इसीलिए लिख दिए हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो नोट करते चलिए। सोरगम बाइकोलर ज्वार का होता है, पेनिसिलियम टाइफाइड जो होता है बाजरा का होता है, ठीक है। अरहर का कैजनस कजान होता है, कैजनस कजान, अरहर का क्या होता है, कैजनस कजान होता है, ठीक है, अरहर का कैजनस कजान होता है। काउपी का थोड़ी पहले क्या बताया था, विग्ना अंगी कुलाटा, काउपी का विग्ना अंगी कुलाटा। उर्द का क्या था, विग्ना मूंगो, उर्द का क्या था, देखिए ये बहुत समझने वाली चीज है, कंफ्यूज, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये क्या था, उर्द का विग्ना मूंगो, और मूंग का विग्ना रेडियाटा,
मूंग का विग्ना रेडी आटा होता है, ठीक है, मूंग का होता है विग्ना रेडी आटा, और काउपी का क्या होता है विग्ना अंगी कुलाटा, ये सभी अफ्रीका सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ठीक है। और ओकरा, ओकरा भिंडी, ठीक है, लेडी फिंगर जिसको बोलते हैं, लेडी फिंगर भिंडी, लेडी फिंगर जो है भिंडी जो है एब्लेमोस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है, एब्लेमोस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है, एब्लेमोस्कस एस्कुलेंटस होता है। तो ओकरा का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एब्लेमोस्कस एस्कुलेंटस होता है, जिसका सेंटर ऑफ ओरिजिन अफ्रीका है। तो नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड क्या है, सेंटर ऑफ ओरिजिन इसीलिए एक साथ लेके आए थे ताकि चीजें क्लियर हो जाए आपको। अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पहला अपने पास राइस आ जाता है, और राइस सटाइवी धान जो होता है, धान साउथ ईस्ट एशिया में है, धान के साथ बार्ली भी है, हर्डियम वुल्गेर, ये क्या है साउथ ईस्ट एशिया में है, धान के साथ बार्ली जो है हर्डियम वुल्गेर साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है। फिर बनाना क्या है, बनाना साउथ ईस्ट एशिया में है, मूसा पैराडिसिया का जिसका साइंटिफिक नेम होता है, केला जो है, केला जो होता है मूसा पैराडिसिया का इसका साइंटिफिक नेम है, इसकी ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया है। कोकोनट, कोकस न्यूसिफेरा, ठीक है, कोकोनट जो होता है इसमें भी क्या होता है साउथ ईस्ट एशिया में ओरिजिन है। कोकोनट की एक खास बात है, लॉरिक एसिड, लॉरिक एसिड कंटेंट इसमें ज्यादा होता है, लॉरिक एसिड, ठीक है, कोकोनट, ठीक है। इसके बाद क्या है, लेमन, लेमन जो होता है, लेमन में अलग अलग है बहुत सारे, जैसे स्वीट ऑरेंज हो गया, मैंडरीन हो गया, तो सबके अलग अलग नाम है, इसलिए सिट्रस स्पीसीज इसको लिखते हैं, ठीक है। लेमन को क्या लिखते हैं, सिट्रस स्पीसीज, लेमन को क्या लिखते हैं, सिट्रस स्पीसीज लिखते हैं। तो लेमन का साइंटिफिक नेम सिट्रस स्पीसीज हो गया। ये सभी साउथ ईस्ट एशिया में क्या है, राइस हो गया, बार्ली हो गया, बनाना हो गया, कोकोनट हो गया, लेमन हो गया, ये सभी साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर अब साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक है। तो इसमें वीट आ गया और चिकपी आ गया, वीट क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया, और चना जो है साइसर एरिटिनम हो गया, साइसर एरिटिनम हो गया, चना जो होता है साइसर एरिटिनम होता है, ठीक है। और चने का साइंटिफिक नेम साइसर एरिटिनम है। चना और वीट इन दोनों की उत्पत्ति साउथ वेस्ट एशिया में हुई थी, समझ में आ रहा है आप लोग को। एक बार सभी लोग, सभी लोग चैनल को शेयर कर दें, एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें, एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड मैक्सिको, मैक्सिको में जो है मेज की, चिली की और सपोटा की, इन तीनों की ओरिजिन मैक्सिको में है, इन तीनों की ओरिजिन मैक्सिको में है, ठीक है। तीनों की ओरिजिन कहाँ है, मैक्सिको में, मैक्सिको, जिया मेज, मेज का होता है, चिली का कैप्सिकम एनम होता है, सपोटा का एकरस जपोटा होता है, ठीक है, एकरस जपोटा जो होता है सपोटा का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। ये तीनों की ओरिजिन कहाँ है, मैक्सिको में हुई थी, मेज की, चिली की, सपोटा की, इसको नोट कर लें आप लोग, इसको नोट कर लें। अभिनव यादव जी, जी बिल्कुल, इसको आप लोग सभी लोग शेयर कर दें। मेक्सिको में किसकी ओरिजिन है, मेज की है, चिली की है और सपोटा की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको नोट करते चलें। अब अगली स्लाइड है ट्रॉपिकल अमेरिका। तो जो पपाया होता है, ये कैरिका पपाया है, कैरिका, कैरिका पपाया, कैरिका पपाया, ठीक है। पपाया का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो क्या है, ट्रॉपिकल अमेरिका है, और इसका साइंटिफिक नेम कैरिका पपाया होता है। और ब्राजील, ब्राजील जो है, ब्राजील का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो कहाँ है, ब्राजील का सेंटर, ब्राजील किसका, किसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है, तो ग्राउंड नट का है, ग्राउंड नट को मंकी नट भी बोलते हैं, मंकी नट भी बोलते हैं, ग्राउंड नट को मंकी नट भी बोलते हैं, ठीक है। अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया, ठीक है, क्या है, अरेकिस हाइपोजिया इसका साइंटिफिक नेम है। और पाइनएप्पल का क्या है, अनानास कोमोसस, अनानास कोमोसस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये सारे सेंटर ऑफ ओरिजिन लगभग लगभग आपके एक साथ आ गए हैं, लगभग लगभग सभी सेंटर ऑफ ओरिजिन एक साथ लाने का प्रयास किया हूं, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत कॉमन है, कहीं ना कहीं इनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेता है। तो चाइना, चाइना सेंटर ऑफ ओरिजिन में पहला टी हो गया, चाय, दूसरा लीची, तीसरा स्वीट ऑरेंज, चौथा मैंडरीन, अभी बता रहा था ऑरेंज में ही, तो ऑरेंज में ही ये सब, लेमन ऑरेंज में ही ये सब आते हैं,
मलबेरी हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन का साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स है। सोयाबीन जो होता है रॉ मीट भी बोलते हैं, ये रॉ मीट भी बोलते हैं वेजिटेरियंस का, ठीक है। और ये क्या हो गया मलबेरी का मोरस एल्बा, मोरस एल्बा ये क्या है सहतूत है, सहतूत, सहतूत बोलते हैं मलबेरी को, ठीक है, मोरस एल्बा तूत। मैंडरीन हो गया सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा, स्वीट ऑरेंज सिट्रस साइनेंसिस, ये सी मतलब सिट्रस है, यहां पे सी मतलब सिट्रस, सिट्रस साइनेंसिस, ठीक है। लीची का क्या हो गया लीची चाइनेंसिस हो गया, टी का क्या हो गया कैमिलिया साइनेंसिस हो गया, चाय का क्या है सेंट्रोफोर्जिन कैमिलिया साइनेंसिस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे देखते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। चाइना सेंट्रोफोर्जिन में थे सभी, टी लीची स्वीट ऑरेंज मैंडरीन वगैरह सभी थे। अब साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका पेरू किसका 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 है, ठीक है, पोटैटो का, टोमेटो का, ग्वावा का और स्वीट स्वीट पोटैटो का। तो पोटैटो का क्या हो गया सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ठीक है। और टोमेटो का क्या हो गया लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, ठीक है। फिर ग्वावा का सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा, ठीक है। और स्वीट पोटैटो का इपोमिया बटाटा, ठीक है, ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, स्वीट पोटैटो का, इसको नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये साउथ अमेरिका में ये चारों थे पोटैटो टोमेटो गुआवा और स्वीट पोटैटो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको शेयर कर दें आप लोग। और इंडिया के ये कुछ और पीछे छूटे हुए थे, तो कॉटन जूट और सनहेम, ये तीनों भी ये फाइबर क्रॉप्स हैं, ये तीनों भी इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन में ही आते हैं। तो कॉटन क्या है गॉसिपियम स्पीसीज, स्पीसीज इसलिए कि अलग अलग कॉटन कॉटन है, ठीक है, अलग अलग कॉटन है इसलिए, वो डिटेल में पढ़ेंगे उसको फिर कभी। तो अलग अलग कॉटन है इसलिए गॉसिपियम स्पीसीज हो गया। जूट का भी अलग अलग है, जैसे कॉर्कोरस ओलिटोरियस, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, तो इसलिए कॉर्कोरस स्पीसीज लिखा है यहाँ पे हमने। और सनहेम का क्या होता है क्रोटोलेरिया जुन्सिया, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, जुन्सिया, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, जुन्सिया की स्पेलिंग ये है जुन्सिया, ठीक है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, यूज्ड इन सिल्क कल्टीवेशन मलबेरी। जी हाँ, अथर्व पांडे सही बताए हैं कि मलबेरी का जो प्लांट होता है तोत का, वो सिल्क के कल्टीवेशन में, सिल्क के, सिल्क वर्म के रियरिंग में इसका यूज किया जाता है। तो इसको बिल्कुल वो मलबेरी का जो है वो सिल्क वर्म के रियरिंग में यूज किया जाता है, मलबेरी का सिल्क वर्म के रियरिंग में, ठीक है, सिल्क वर्म के, सिल्क वर्म के रियरिंग में, सिल्क वर्म के रियरिंग में, ठीक है, इसके सिल्क वर्म के पालन में इसका यूज होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन थे, ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, इसको शेयर करते रहें। तो अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन अपने पास है मेज इवॉल्व्ड इन। अब देखिए मैं बता रहा था ना कि अभी जो पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो मेज इवॉल्व्ड इन, जी हाँ दीपक कुमार जी, तो मेज का अब यहां पे देखिए क्वेश्चन आ गया है कि मेज इवॉल्व्ड इन, मेज कहां पर उत्पत्ति हुई थी मेज की, ठीक है। तो अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था मेज की उत्पत्ति कहां पे हुई थी, बताइए आप सभी कमेंट करें मेज की उत्पत्ति कहां पर हुई थी, मेज इवॉल्व्ड इन, ठीक है। ट्रेवल लवर जी सर, दीपक कुमार ओके, जी हां, तो मेज की उत्पत्ति जो है मैक्सिको, मैक्सिको में हुई थी, अभी कुछ देर पहले बताया था, जी हाँ ट्रेवल लवर बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया आपने, मैक्सिको है। तो सभी लोग कमेंट करें इसका, इसका आंसर क्या हो गया मैक्सिको हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसकी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, मैक्सिको है इसकी सेंटर ऑफ ओरिजिन, जी हाँ दीपक कुमार बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी लोग, दीपक कुमार जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो मेज का क्या हो गया मैक्सिको हो गया, मेज चिली और सपोटा, मेज चिली और सपोटा, मेज चिली और सपोटा, इन तीनों का क्या था मैक्सिको था, ये याद करते जाइए, इसीलिए मैंने पहले बताया उसको, मेज चिली और सपोटा क्या था मैक्सिको था, अनुज भारती जी बी बिल्कुल सही है। तो मेज चिली और सपोटा जो था वो क्या था इसका मैक्सिको था सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास है The origin home of rice is, the origin home of rice is, बताइए कमेंट करिए rice का origin home क्या है। अथर्व पांडे जी बी, गोवर्धन कश्यप जी बी, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं, origin home of rice is बी, साउथ ईस्ट एशिया, बिल्कुल सही है, साउथ ईस्ट एशिया है,
ओरिजिन किसका, इसका क्या है, साउथ ईस्ट एशिया है। इसका ओरिजिन क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। इसके साथ और क्या क्या था, राइस के साथ, राइस के साथ और बताइए, कमेंट करिए और क्या क्या था राइस के साथ, आप लोग कमेंट करें राइस के साथ और क्या क्या था साउथ ईस्ट एशिया में, और क्या क्या था। तो राइस के साथ क्या था अपने साथ, बनाना था, बनाना था, बार्ले था, बार्ले था, कोकोनट था। इन सबकी ओरिजिन कहां थी, साउथ ईस्ट एशिया थी। इन सबकी ओरिजिन कहां थी, साउथ ईस्ट एशिया थी, ठीक है। इन सबकी ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया थी। लेमन की भी ओरिजिन कहां थी, साउथ ईस्ट एशिया में थी। लेमन की ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया में थी। तो बनाना, बार्ले, कोकोनट और लेमन, इन सबकी ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया थी, ठीक है। सबकी ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया थी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, नोट करें इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, द फेमस कल्टिवेटेड प्लांट विच इज डेवलप्ड इन चाइना। कह रहा है कि वो फेमस कल्टिवेटेड प्लांट जो चाइना में डेवलप हुआ हो, तो बताइए कौन बताएगा उस फेमस कल्टिवेटेड प्लांट का नाम जो चाइना में डेवलप हुआ हो, बताइए, कमेंट करिए। जी हाँ, आप लोग सही कमेंट पहले का किए हैं, इसके पहले सभी साउथ ईस्ट एशिया। अब इसका बताइए आप लोग, चाइना में कौन सा प्लांट हुआ था, चाइना में किसका एवोल्यूशन हुआ था, बताइए आप सभी। तो जो फेमस प्लांट है वो क्या है, वो टी है, ठीक है। टी हो गया, टी कहां था, चाइना में। और कॉफी का क्या होता है, कॉफी का नोट कर लीजिए, इथोपिया है, इथोपिया, कॉफी का इथोपिया है, ठीक है, बिल्कुल सही। आकाश माथुरिया जी, ए आकाश माथुरिया बिल्कुल सही बताए हैं। और कॉटन का बताया ही मैं, कॉटन, जूट और सनहेम्प, तीनों क्या था, इंडिया था। कॉटन, जूट, सनहेम्प, कॉटन, जूट, सनहेम्प, तीनों क्या थे, इंडिया में थे। तीनों की ओरिजिन कहां थी, इंडिया में थी। तीनों की ओरिजिन कहां थी, इंडिया में थी। यहां पे इन तीनों की ओरिजिन कहां थी, इंडिया में थी, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, इसका टी सही है, कॉफी इथोपिया हो गया। और कॉटन का क्या, कॉटन, जूट, सनहेम्प, ये इंडिया में थे, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ वीट इज, देखिए सेंटर ऑफ ओरिजिन वीट आ गया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वीट आ ही गया, तो वीट का सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, बताइए। जगदीश यादव नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते जगदीश यादव जी, नमस्ते। चैनल को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, सभी लोग, सभी लोग अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, इसको शेयर कर दें एक बार चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आ सके। तो इसका बताइए आप लोग, वीट का, वीट का सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, साउथ वेस्ट एशिया। वीट का सेंटर ऑफ ओरिजिन, जी हाँ वेदांगी अवस्थी जी बिल्कुल सही बता रही है, साउथ वेस्ट एशिया। ये क्या है, साउथ वेस्ट एशिया है। इसके साथ साथ एक और क्या था अपने पास, चिकपी, चिकपी का भी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहां था, चिकपी का साउथ वेस्ट एशिया में था। चिकपी का सेंटर ऑफ ओरिजिन कहां था, साउथ वेस्ट एशिया में था। साउथ ईस्ट एशिया का भी थोड़ी देर पहले बताया, राइस, बनाना, कोकोनट, ऑरेंज, ये सब क्या थे, लेमन, ये सब साउथ ईस्ट एशिया में थे, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट करते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट रिकॉग्नाइज्ड बाय वेविलो, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि कोई, ये लोबिया कौन कमेंट कर रहा है, जगदीश यादव जी, लोबिया किस चीज का है, जगदीश यादव जी लोबिया कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट रिकॉग्नाइज्ड बाय वेविलो, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसका ऑप्शन आप लोग बताइए। देखिए विग्ना साइनेंसिस नहीं, जगदीश यादव जी कमेंट कर रहे हैं लोबिया विग्ना साइनेंसिस, यहां पे विग्ना साइनेंसिस तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ये बताइए द नंबर ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय वेविलो, कुछ लोगों का डी आ रहा है, कई अथर्व पांडे का ए आ रहा है, किसी का 11 आ रहा है। देखिए सभी के अलग अलग आ रहे हैं, सभी के अलग अलग आ रहे हैं, सभी के ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, तो बताइए इसका क्या होगा, कौन बताएगा इसका क्या होगा, इसका बताइए आप लोग। 21, 11, चिकपी को लोबिया भी कहते हैं, नहीं भाई चिकपी को लोबिया नहीं कहते हैं, चिकपी को लोबिया नहीं कहते हैं,
चिकपी को तो चना कहते हैं ना, काउपी को लोबिया कहते हैं, चिकपी को चना कहते हैं, काउ चिकपी को क्या कहते हैं, चना कहते हैं, चिकपी, चिकपी चना होता है, चना, साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम, ठीक है, कंफ्यूज ना होइए आप, जगदीश यादव जी कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन बताइए, सेंटर ऑफ ओरिजिन वेविलो के अकॉर्डिंग कितने थे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए समझते हैं इस पे। तो जितने लोगों ने कमेंट, कुछ लोगों ने बी किया है 11, अथर्व पांडे फर्स्ट 8 देन 11, ठीक है चलिए, और बाकी 21 और 7, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, इस पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं कहा कि अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, देखिए 8 और 11, देखिए वेवी लो के अकॉर्डिंग ना, वेवी लो के अकॉर्डिंग जो है 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन था पहले, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए मैं इसको समझाता हूं, ठीक है। वेवी लो के अकॉर्डिंग जो है 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन उन्होंने दिया था, कितने सेंटर ऑफ ओरिजिन थे, 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन थे, 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन थे, ठीक है, 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन थे वेवी लो के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहला जो सेंटर ऑफ ओरिजिन था, तो सबसे पहला सेंटर ऑफ ओरिजिन था उनका, तो सबसे पहला चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन था, क्या था, सबसे पहला जो था वो चाइनीज, द चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन पहला क्या था, द चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है, सबसे पहला जो उनका सेंटर ऑफ ओरिजिन था, तो चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन था। दूसरा जो था, दूसरा उनका जो था, हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन था, हिंदुस्तान, क्या था, हिंदुस्तान, मैं आठों बता रहा हूं सेंटर ऑफ ओरिजिन के नाम, ये आपको जनरली मिलेगा नहीं ऐसे कहीं, हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि क्या है, 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है, मैं बताता हूं ये 8 कैसे और 11 कैसे है, उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। द चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन पहला, दूसरा द हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन, तो नोट करते रहिए, पेन कॉपी पे नोट कर सकते हैं, या फिर लास्ट में चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं छोड़ दूंगा थोड़ी जगह, ठीक है। तो पहला चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन, दूसरा हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन, तीसरा मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन, हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन, मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, क्या है अपने पास, ये मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। चौथा देखते हैं, चौथा कौन सा सेंटर ऑफ ओरिजिन है, चौथा जो है एबिसिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, एबिसिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, एबिसिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, क्या है, एबिसिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, चौथा जो है एबिसिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ठीक है। और पांचवा जो है, पांचवा, चौथा एबिसिनियन हो गया, पांचवा जो है सेंट्रल एशिया सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंट्रल एशिया सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है, इसी को कहिएगा मिडिल एशिया जो है, मिडिल एशिया भी बोला गया, ठीक है, मिडिल एशिया सेंटर ऑफ ओरिजिन, मिडिल एशिया सेंटर ऑफ ओरिजिन भी इसी को कई जगह मिल जाएगा। और ये जो अफगानिस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन मिलता है कई जगह, ये इसी के अंदर में है, यही है अफगानिस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है, अफगानिस्तान भी इसी का है, ठीक है। तो पहला चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन, दूसरा हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन, तीसरा मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, चौथा एबिसिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, पांचवा सेंट्रल एशिया, मिडिल एशिया या अफगानिस्तान, कुछ भी बोलिए, ये सेंटर ऑफ ओरिजिन। अब छठवे पे चलते हैं, ठीक है, छठवां एशिया माइनर है, छठवां जो है एशिया माइनर है, एशिया माइनर है, छठवां क्या है, छठवां जो है एशिया माइनर है, छठवां क्या है, ये एशिया माइनर है, ठीक है, छठवां एशिया माइनर है। सातवां जो है, सातवां और आठवां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है, सातवां जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका सेंटर ऑफ ओरिजिन, नॉर्थ अमेरिका, सातवां जो है नॉर्थ अमेरिका सेंटर ऑफ ओरिजिन, नॉर्थ अमेरिका सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। और आठवां जो है, आठवां, आठवां जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है, आठवां जो है साउथ अमेरिका सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो अभी तो ये आठ हुआ, आप कहेंगे कि 11 कैसे बता रहे हैं कि 8 के साथ 11 भी है, तो इसके साथ देखिए क्या है, इसके साथ देखिए क्या है, इसमें फिर से 3 सब सेंटर बने, ठीक है। इसमें पहला जो था पेरू, पेरू सेंटर ऑफ ओरिजिन, दूसरा क्या था चिली, चिले, ठीक है, और जो तीसरा था ये ब्राजील या पराग्वे, ठीक है, ब्राजील जिसमें कोकोन ग्राउंड नट था, ठीक है, ब्राजील या पराग्वे सेंटर ऑफ ओरिजिन, पराग्वे,
परागवे सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो ये आठ और ये तीन, ग्यारह, इस तरह से इसको ग्यारह बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये जो है इस तरह से देखिए, ऑप्शन आठ और ग्यारह दोनों मोस्टली साथ नहीं रहेगा, बट दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा आप उसको मार सकते हैं, ठीक है। आप चाहे इसको लगाइए, चाहे मोस्टली आप देख चुकी आठ सेंटर ऑफ ओरिजिन था पहले, तो अब जब भी आप इसका एक रेफरेंस बुक है, जब भी आप प्लांट ब्रीडिंग की बुक बीडी सिंह पढ़ते हैं, मैं इसका इसलिए रेफरेंस भी दे रहा हूं क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी बात ना हो, तो बीडी सिंह में आपको आठ सेंटर ऑफ ओरिजिन मिलेगा और आठ में फिर आठवें का इसका जो है तीन ये मिल जाएगा, पेरू, चिले और ब्राजील परागवे, ठीक है। तीन ये मिल जाएगा बिल्कुल, तो इसलिए ये आठ सेंटर ऑफ ओरिजिन, तीन इसके सब सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो ये टोटल 11 सबसे सेंटर ऑफ ओरिजिन हो गए, ये वेविलो के अकॉर्डिंग थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, हाँ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दसवें क्वेश्चन पे। तो देखिए कल डिस्कस कर चुके थे, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कल का। तो पोटेटो फेमाइन ऑफ आयरलैंड अकर्ड इन, कब आया था, तो कल का ही बता चुके हैं, 1845 में आया था। किससे आया था, फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस से आया था, फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस से आया था, ठीक है। ये एक फंगस था, ठीक है, ये एक फंगस था मैस्टिगो माइकोटीना का। ये आप लोग नोट करते रहिए, ये इसके आगे चलते हैं ये, ठीक है। कौन सा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो 1845 में, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आयरिश फेमाइन थी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, पोटैटो फेमाइन जो आयरलैंड में आई थी, ठीक है, इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्या था, 1845 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, अभी जो बताया, पोटैटो फेमाइन ऑफ आयरलैंड वाज कॉल्ड बाय द अटैक ऑफ फंगस, किस फंगस के अटैक से आया था, बताइए, कमेंट करिए आप लोग, अभी बताया, कमेंट करिए, बताइए किस फंगस के अटैक से ये आया था, बताइए किस फंगस के अटैक से आया था पोटैटो फेमाइन। तो ये जो है फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस, ठीक है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस किसके अटैक से आया था, ये फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस के अटैक से आया था ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू का पछेती अंगमारी, ठीक है, अगली ब्लाइट होता है तो अगेती अंगमारी होता है। अबे फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा क्या है, प्लाज्मोपोरा विटिकोला पक्सिनिया ग्रैमिस, जरा इसको भी जान लेते हैं जी, आकाश माथुरिया जी सही बताए हैं, जरा इसको भी जान लेते हैं ये क्या है, तो इसको भी जान लेते हैं क्या है, फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा, ठीक है। फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा से क्या होता है, बड रॉट ऑफ पॉम होता है, ठीक है, बड रॉट ऑफ पॉम, जो पॉम ट्रीज होता है इसका बड रॉट होता है फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्लाज्मोपोरा विटिकोला जो है, ये जो प्लाज्मोपोरा विटिकोला है, ये क्या है, ये ग्रेप्स में आया था, डाउनी मिल्ड्यू इसमें, ग्रेप्स में आया था, ठीक है, ग्रेप्स में डाउनी मिल्ड्यू आया था, और बहुत ही खतरनाक डाउनी मिल्ड्यू आया था। और इस समय जो उस समय प्रोफेसर मिलार्डेट फ्रांस में, उन्होंने ही इसको कंट्रोल के लिए बॉर्डियक्स मिक्सचर की खोज की थी, बॉर्डियक्स मिक्सचर की, ये नोट करते रहिएगा आप लोग, बॉर्डियक्स मिक्सचर की खोज की थी उन्होंने, किसने, मिलार्डेट साहब ने बॉर्डियक्स मिक्सचर की खोज की थी, किसके लिए, इस प्लाज्मोपोरा विटिकोला के लिए जिससे डाउनी मिल्ड्यू हुआ था, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू जिससे हुआ था, प्लाज्मोपोरा विटिकोला, इसके ट्रीटमेंट के लिए पूरा, मतलब समझ लीजिए वहां पे तबाही मच गई थी, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, बॉर्डियक्स मिक्सचर जो था इसकी खोज की थी उन्होंने, और इसी के छिड़काव से जो है उन्होंने वहां की फसलों को बचाया था,
तो प्रोफेसर मिलाडे साहब ने बॉर्डियस मिक्सचर की खोज की थी डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स को कंट्रोल करने के लिए प्रोफेसर मिलाडे ने खोज की थी बॉर्डियस मिक्सचर की। नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इस पे हम बार बार जोर डालकर बता रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो और एपॉक्सिनिया ग्रेमनिस, ये तो पता ही है, एपॉक्सिनिया ग्रेमनिस ट्रिटिसी से ये रस्ट होता है वीट का, ठीक है, तीन रस्ट होते हैं, एपॉक्सिनिया ग्रेमनिस ट्रिटिसी, एपॉक्सिनिया रिकॉन्डिटा और एपॉक्सिनिया स्ट्रिपफॉर्मिस, ठीक है, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट को स्ट्राइप रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं, जी हाँ ज्ञानेंद्र वर्मा जी, जी बिल्कुल सही है, आप लोग शेयर करते रहिए इसे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन बैंक आर द पार्ट ऑफ, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, जीन बैंक आर द पार्ट ऑफ, जीन बैंक इसके एक्स सी टू कंजर्वेशन, इन सी टू कंजर्वेशन, ये बहुत अच्छी इस चीज को जानना है, ये इन सी टू कंजर्वेशन और एक्स सी टू कंजर्वेशन होता क्या है, सबसे पहले तो हमारा ये जानना जरूरी है, ये होता क्या है एक्स सी टू और इन सी टू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन तो समझ में आ रहा है जिसको हम बचाते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे कंजर्व करते हैं ये जानना जरूरी है। तो जीन बैंक जो होते, देखिए एक्स सी टू का मतलब क्या होता है, एक्स सी टू का मतलब उस प्लेस से कहीं कोई चीज मिली, मान लीजिए इसे हमें बचाना है, इसे हम यहां से उठा करके यहां सेंटर होम में ले आए, यहां पर बचा रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो ये यहां पर तो पाया गया था, लेकिन इसको हम ले आए कहां, यहां पे, तो यहां से इसको मूव करा दिया इसके ओरिजिनल प्लेस से, दैट इज कॉल्ड एक्स सी टू, जहां पर था वहां से मूव करा के लेके चले गए, और जहां पे है अगर यहीं पे अगर हम इसको संरक्षण करते हैं, कंजर्व करते हैं, इसका कंजर्वेशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इन सीटू, जिस प्लेस पे है अगर उसी पे कंजर्व कर देते हैं तो ये इन सीटू होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट मतलब मान लीजिए कोई रीजन है जहां पर वाइल्ड एनिमल्स ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कि आपके कोई चीता हो गया, टाइगर हो गया, राइनासोरस हो गया, ठीक है, एक सींग वाला गेंडा हो गया, या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, तो अगर ये कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं तो इनके लिए जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, जितने भी होते हैं ये सब बनाए जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो इन सीटू होता है, उसी जगह पे उनको कंजर्व करने के लिए पर्टिकुलर एक प्लेस, एक एरिया को कवर कर देते हैं और वहां पर प्रोहिबिशन कर देते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन है इनका, तो वो एक्स इन सीटू होता है। लेकिन जीन बैंक क्या होता है, जीन कहीं मिला, कहीं किसी की वाइल्ड वेराइटी मिली या कहीं कोई बहुत बेहतरीन वेराइटी मिली, तो उसको कंजर्व करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे ले आते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है इन सीटू, सॉरी एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है, जहां पर मिला वहां से उसको दूर ले जा करके और एक जगह पे कंजर्व करते हैं, डेट इज कॉल्ड एक्स सी टू, और जहां पे मिला वहीं अगर कर दिए तो क्या होता है इन सी टू, तो जीन बैंक क्या होते हैं एक्स सी टू के पार्ट होते हैं, जीन बैंक एक्स सी टू, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जीन बैंक क्या हो गया एक्स सी टू हो गए, जीन बैंक क्या हो गया एक्स सी टू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इन सी टू कंजर्वेशन, अभी बताया मैं अगर जहां पर जो जैसे कि नेचुरल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, जहां पर ये जो एनिमल्स हैं, जैसे कोई सारस मिल गया, मान लीजिए कोई सारस है, पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, तो वहां पर जो मिला, जो भी कोई पक्षियों का पर्टिकुलर एरिया है जहां पर विदेशी पक्षियां आते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है उसको, उसी एरिया को कंजर्व कर दिया गया, मतलब वो क्या हो गया इन सीटू हो गया, इन सीटू में ये तीनों आते हैं, ये तीनों आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन सीटू एक्स सीटू आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, इन सीटू एक्स सीटू आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग चैनल को शेयर कर दें, शेयर करते रहे अपने फ्रेंड से, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा तो नेशनल पार्क क्या होता है, देखिए हिज टू द हैबिटेट पर्टिकुलरली वाइल्ड एनिमल स्पीसीज लाइक टाइगर, लायन, हाइंगुल, राइनो एटसेट्रा, ठीक है, मतलब उसी जगह पे उसी हैबिटेट को, पर्टिकुलरली वाइल्ड एनिमल्स के उसी हैबिटेट को हम कवर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड नेशनल पार्क। सेंचुरी क्या है, जनरली स्पीसीज ओरिएंटेड एज, क्या है ये, पीचर प्लांट हो गया, ग्रेट इंडिया बास्टर्ड हो गया, ये सब जितने हैं, ये जितने भी पक्षी हैं या इस तरह के जो एनिमल्स, इनके लिए सेंचुरी हो गया। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या हो गया, नो हिस्ट टू एनी वन टू आर मोर स्पीसीज, ठीक है, इसमें क्या, ये सिंगल सिंगल स्पीसीज, ये वाइल्ड स्पीसीज थे, ये क्या थे, ये कुछ जो भी आपके बर्ड थे या इस तरह के थे उनके लिए था, और इसमें क्या था, मोर देन टू या टू स्पीसीज,
दो या दो से अधिक स्पीसीज को एक साथ यहाँ रखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, यहाँ सभी रहते हैं, यहाँ पर्टिकुलर फिक्स है, जैसे वाइल्ड एनिमल्स हो गया इस तरह के स्पेशली, यहाँ जैसे बर्ड्स वगैरह या कोई और हो गया ऐसे, और यहाँ पे क्या है सभी रहते हैं, ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये इकोसिस्टम ओरिएंटेड होता है, ठीक है, यहाँ सभी एक दूसरे का मतलब जीव ही जीव का आहार है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करा लेते हैं, एक और अगला क्वेश्चन, इसके बाद से आज की क्लास ओवर करते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन इज कैरीड आउट एट, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है किसी भी चीज को -196 डिग्री सेल्सियस पे, किसी भी चीज मतलब क्या, जनरली जर्म प्लाज्मा मतलब जिसके अंदर जीवन देने की क्षमता है, जिसके अंदर कैपेसिटी है जीवन देने की, ठीक है, वही जर्म प्लाज्मा है। अब स्पेशली जैसे देखते हैं कि इस समय AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जैसे गाय वगैरह, गाय भैंस है, काऊ हो गया, बफेल हो गया, इनको क्या होता है, इनको जब भी क्या होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं, ठीक है, सीमेन चढ़ता है इन्हें क्या करता है, सीमेन देते हैं, इससे क्या होता है इनका, इनकी ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, इनकी बेबी का प्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है जो सीमेन होता है वो किसी भी स्पेशलाइज्ड बुल का, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के बुल है, डिफरेंट टाइप की जो नस्ल है उनके, उनका सीमेन जो है हम किसी भी काऊ को या किसी भी बफेलो को चढ़ा सकते हैं, कैसे, पॉसिबल तो है नहीं कहीं से एक जगह ले आना, तो उनका जो सीमेन होता है उसको क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, किस पे, -196 डिग्री सेल्सियस पे, यही क्रायो प्रिजर्वेशन है। क्रायो प्रिजर्वेशन में जनरली लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है, क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में, नोट करिएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं ये सब, ठीक है, सारी चीजें आ सकती हैं, एक एक चीजें क्वेश्चन, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है जो करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा हुआ है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन लिक्विड नाइट्रोजन से होता है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ सीमेंट के लिए नहीं, प्लांट का, जैसे जर्म प्लांट में बताया, जर्म प्लाज्म उसके लिए भी ये यूज आता है, ठीक है, किसी भी प्लांट के जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे किसी प्लांट का कोई वाइल्ड वैरायटी है, वाइल्ड स्पीसीज है, या किसी का कोई बहुत स्पेशल कैरेक्टर वाला स्पीसीज है, तो उसको प्रिजर्व करते हैं इस पे, ठीक है। तो चैनल को आप लोग अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा, आज क्लास को यही ओवर करते हैं, अगली क्लास में अभी क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, बट इसको आज यही ओवर करते हैं, अगली क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास अब दीपावली छठ के आसपास होगी, छठ के दीपावली के बाद ही होगी, छठ के आसपास में होगी आपकी अगली क्लास, फिलहाल के लिए इतना समाप्त करते हैं, आप सभी को दीपावली की, भैया दूज की और छठ की बहुत सारा शुभकामना तिवारी एग्रीकल्चर क्लासेज की तरफ से। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग त्यौहार को एंजॉय करेंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस जारी रखिएगा, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे दीपावली के बाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को तब तक अपने जितने भी नीडफुल मित्र हैं जिनको भी तैयारी करना है बीएससी एमएससी एजी के लिए, बीएससी सेमेस्टर के लिए या फिर अन्य कंपटीशन के लिए, तो उनको बता दीजिएगा, रिकमेंड कर दीजिएगा, यहाँ पर फ्री में क्लासेस चलती हैं, आपके लिए बहुत ही कामयाब है। तो ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास ओवर करते हैं।